हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में ना आपको बहुत ही हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये बैकग्राउंड भी पीछे का चेंज हो गया है, यानी इसका फेस भी बहुत ही बेहतर तरीके से चेंज हुआ है। तो यहाँ तो चेंज मतलब यहाँ पे फेस स्मूथ बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसका बाल भी कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे एडिट हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सेम ऐसे ही एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप भाई वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये फोटो एडिटिंग हुआ है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी के। तो चलिए भाई मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं आ गया हूँ फोन स्क्रीन पे। आने के बाद ना फ्रेंड, सबसे आसान ट्रिक आपको सबसे आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लाइट रूम खोल लीजिएगा। तो मैं लाइट रूम को खोल लेता हूँ। इसको मैं इस यहाँ से खोल दिया। एंड खोलने के बाद ना जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है ना, वो फोटो आप ले लीजिएगा। तो देख लीजिए मैं ये फोटो ले लिया हूँ। देख लीजिए कितना बेकार लग रहा है। अभी आपको वन क्लिक में ना इसका बैकग्राउंड भी पीछे का ये जितना सब चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं काफी खराब ये फोटो दिख रहा है। एंड इसे हम ना बनाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना बेकार लग रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, बैक कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से बैक करने के बाद ना हम आपको एक प्रीसेट देने वाला हूँ। तो वो प्रीसेट आपको नीचे मिलेगा, मतलब बहुत नीचे है। तो उसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो देख लीजिए मैं यहाँ से अभी ले लेता हूँ उस प्रीसेट को। तो यहाँ से देख लीजिए यही वाला प्रीसेट है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला प्रीसेट दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे ना, कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद ना फ्रेंड, आपको करना क्या होगा, जो भी फोटो आपको बनाना है, मतलब जो भी फोटो को एडिट करना है, उस फोटो को आप ले लीजिएगा। तो मैं इस फोटो को ले लिया हूँ। एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना, थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। एंड क्लिक करने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार चेंज हो गया, पहले कैसे था अब कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल ऐसे था, अब कुछ ही सेकंड में यहाँ पे एडिट हो गया है, पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, और थोड़ा बहुत एडिट करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। एंड यहाँ पे मैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ से क्या करेंगे, येल्लो है जो येल्लो को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दीजिएगा इस प्रकार। एंड यहाँ पे जो ऑरेंज है इसको क्या कीजिएगा, एंड यहाँ पे हल्का सा थोड़ा इसको बढ़ा लीजिएगा। देख लीजिएगा सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको करना है, आप कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे करने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे जो ग्रीन है इसको हम हल्का से यहाँ पे कुछ इस प्रकार रख देते हैं। देख लीजिए कुछ इस प्रकार रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको करना क्या होगा, इसे सेव करना होगा कुछ इस प्रकार से। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो इसे सेव करने के बाद ना आपको पिक्सआउट खोलना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सेव कर लेता हूँ, यहाँ से सेव कर लेता हूँ। देख लीजिए ऊपर सेव करने का ऑप्शन दिख रहा है, इसे मैं सेव कर लिया। यहाँ से सेव करने के बाद ना फ्रेंड, आपको करना क्या होगा, यहाँ से मैं इसे सेव कर लिया। तो यहाँ पे आपको सेव करने के बाद स्नैपशीट खोल लीजिएगा, पिक्सआउट मत खोलिएगा अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्नैपशीट भी डाउनलोड किया हूँ। इसे मैं ओपन कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा प्लस का आइकन दिख रहा है। एंड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी गैलरी में फोटो रहेगा सारा फोटो यहाँ पे आ जाएगा। एंड जो आप लाइट रूम से बनाए रहेंगे ना, उस फोटो को आप ले लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, उस फोटो को ले लिया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो इसे हम टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे जो डिटेक्टर जो ये वाला ऑप्शन है दिख रहा है फ्रेंड, इसको आपको ले लेना होगा। एंड यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार बढ़ा देना होगा। तो देख लीजिए मैं कुछ इस प्रकार 100 रख लेता हूँ। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको इस बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इससे क्या होगा फ्रेंड, ये जो बाल का जो कलर होगा बहुत बेहतर तरीके से इसे एडिट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे करके सेव कर लीजिएगा। एंड सेव करने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद ना फ्रेंड, आपको यहाँ पे ब्यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे पेंसिल मतलब यहाँ ब्रश वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना फ्रेंड, आपको करना क्या होगा, जो जितना भी आपको यहाँ पे देख लीजिए 100 रख लेना होगा। यहाँ पे जो तीर का निशान दिख रहा है नीचे नीचे का, ये ऊपर का दिख रहा है या नीचे का, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कुछ इस प्रकार कर लेते हैं। तो आप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर लेता हूँ। इससे क्या होगा ना, बाल बहुत ही बेहतर तरीके से एडिट होगा, बहुत ही अच्छी तरह से एडिट होगा। तो मैं इसे कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। तो देख लीजिए आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसे कर लिया हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, बहुत बारीकी से जहाँ बाल दिखेगा वहाँ वहाँ पर आपको इफेक्ट ये लगाना है। तो जहाँ बाल दिख रहा है वहाँ वहाँ पर आप इसको इफेक्ट लगा लीजिएगा। तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मतलब नीचे भी लगा लीजिएगा, डाई वही दिख रहा है ना इस पर, तो इस पर भी लगा लीजिएगा। तो मैं लगा ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड लगाने के बाद इसे हम क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे सेव कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देख लीजिए यहाँ पे सेव भी हो गया। एंड सेव होने के बाद आपको करना क्या होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं ये क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद ना हल्का सा इसको डाउन कर लूँगा, यहाँ से हल्का सा देख लीजिए, यहाँ पे 52 या तो 50 रख लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ,
50 रख लेता हूँ। यहाँ पे 50 रखने के बाद ना यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार। सेव करने के बाद ना फ्रेंड आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से ये जो नाम लिखा हुआ है दिख रहा है इसको हमको हटाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेते हैं यहाँ पे, या तो इसे हटा देते हैं यहाँ पे कट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे क्या करेंगे हम ना, इस वाले ऑप्शन पे दिख रहा है इस पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इस नाम को मैं हटा देता हूँ। तो देख लीजिए हट गया है, बहुत अच्छी तरीके से हटा है। एंड हटने के बाद यहाँ पे सेव कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। तो अब बाकी का प्रोसेस आपको बाकी है, यहाँ पे हम बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं कुछ इस प्रकार एंड यहाँ पे फोटो का एड ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है आपको। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार गैलरी में खुल जाएगा, मतलब गैलरी में जितना फोटो रहेगा आ जाएगा। आने के बाद आपको करना क्या होगा ना फ्रेंड, आपको एक बैकग्राउंड देने वाला हूँ। तो वो बैकग्राउंड ये वाला है, देख सकते हैं ये वाला बैकग्राउंड है, इसे मैं ले लिया हूँ। एंड लेने के बाद ना आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार बढ़ा लीजिएगा। एंड उसके बाद ना आपको करना क्या होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे व्यू एडिट पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे क्या करना है ना, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आपको करना क्या होगा फ्रेंड, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसको आपको ले लेना होगा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, देख लीजिए कुछ इस प्रकार ये वाला ऑप्शन आपको लेना होगा, ये जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कुछ इस प्रकार का चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड, मतलब इस तरीके का हल्का सा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रबर, यहाँ पे देख सकते ब्रश का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा। तो हम ब्रश के आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे ग्रीन कलर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हल्का हल्का ग्रीन लगा दे रहे हैं, आप भी लगा लीजिएगा अपने टी शर्ट पे, मतलब पहने होंगे टी शर्ट ड्रेस तो उस पर लगा लीजिएगा। तो ये मैं हल्का हल्का मैं लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप भी हल्का सा यहाँ पे प्रोसेस लगाते रहिएगा। तो यहाँ पे हल्का हल्का मैं यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर यहाँ पे टी शर्ट पे लगा दिया हूँ, तो ये बारीकी के बाहर निकल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो 100 है इसको हमको जीरो करना होगा। जीरो करने के बाद ना यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, फिर इसको 100 रख लेते हैं। 100 रखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे टी शर्ट जो था वो कुछ इस प्रकार हो गया। होने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड ना, यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से सिखा रहा हूँ फ्रेंड, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हो गया देख लीजिए, यहाँ पे होने के बाद ना आपको करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार सेव कर लेंगे ना, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। तो बस इसमें इतना ही प्रोसेस है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको बाकी सब यहाँ पे जो स्केच बुक है ना इस पर आपको मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना फ्रेंड, स्केच बुक खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ से स्केच बुक खोल लिया एंड यहाँ पे खोलने के बाद ना फ्रेंड करना क्या है आपको, यहाँ पे जो भी फोटो आपको लेना होगा यहाँ से, इस फोटो जो फोटो दिख रहा है इसको डिलीट कर लीजिएगा थ्री डॉट पर क्लिक करके। तो यहाँ से मैं इस फोटो को डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा एंड न्यू फॉर्म पर क्लिक करूँगा। एंड क्लिक करने के बाद ना जो भी फोटो यहाँ मैं बनाया रहूँगा उस फोटो को मैं ले लेता हूँ। तो देख लीजिए आ गया, बहुत आसान तरीका है। एंड आने के बाद ना यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतर तरीके से एक ब्रश देने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक ब्रश आपको क्या करता हूँ यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ से मैं ये ब्रश ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए इस पर हम क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। एंड क्लिक करने के बाद आपको एक ब्रश देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला ब्रश है, ध्यान से देखिए यही वाला ब्रश है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो ब्रश दिख रहा है ना यही वाला ब्रश है। इसका जो सेटिंग आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, इसको कुछ इस प्रकार इतना रखना है एंड इसको 5 रखना होगा। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इसको 5 कुछ इस प्रकार से, 4-5 रख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार रख लीजिएगा एंड यहाँ से कट कर लीजिएगा। एंड यहाँ से आपको करना क्या ना, यहाँ से आपको व्हाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड व्हाइट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एडिट होकर दिखने का, यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको 5 रख लेते हैं। तो देख लीजिए बहुत बेहतर तरीके से यहाँ से एडिट होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब तक मैं एडिट कर देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ से एडिट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ से एडिट हो रहा है, तो इसे मैं क्या करता हूँ थोड़ा स्पॉट कर, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से फेस स्मूथ हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और करना बाकी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड, ये जो ऊपर दिख रहा है उस इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक आपको PNG ले लेना होगा, यानी कि आपको बैकग्राउंड लेना होगा। एंड यहाँ इस वाले बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे जो रहेगा इस वाला इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे जो कलर रहेगा इसको आपको रेड रखना होगा कुछ इस प्रकार, तो आप रेड रख लीजिएगा। एंड यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको एक दूसरा ब्रश देने वाला हूँ। तो वो ब्रश ये है, तो देख सकते हैं ये वाला ब्रश है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ब्रश आपको लेना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सेटिंग भी देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा 100 रख लेते हैं एंड इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओट है ना इसको हम रेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको रेड कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का सा रेड कर देते हैं। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी तरीके से रेड हो रहा है एंड यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से रेड हो रहा है। तो आपको करना क्या है, इसको रेड कर लेना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हल्का हल्का यहाँ पे स्लाइड करना है, यानी स्लाइड करते रहना है, यहाँ पे इसको रेड कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। मैं रेड कर लिया एंड रेड करने के बाद ना
फ्रेंड, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार रेड तो हो ही गया है। एंड इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा एंड इसको हमको करना क्या होगा कुछ इस प्रकार से इतना पे रख लेना होगा। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार इतना पे रख लीजिएगा कि इससे हल्का फुल्का रेड दिखे यहाँ पे, तो यहाँ से हल्का फुल्का दिख रहा है। एंड इस पर हम क्या करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे हो गया एंड होने के बाद ना आपको करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बेहतर तरीके से हो गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा फिर, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे एक और प्लस का आइकन ले लेते हैं कुछ इस प्रकार, इस पर क्लिक करेंगे फिर इस पर भी हम क्या करेंगे सॉफ्ट लाइट ही ले लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको वही लेना होगा, तो सॉफ्ट लाइट यहाँ पे ले लीजिएगा। लेने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से सॉफ्ट लाइट ले लेंगे। लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऑरेंज पर रख देते हैं कुछ इस प्रकार, ऑरेंज कर देते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ पे ऑरेंज पर रख लेते हैं, मतलब यहाँ पे ऑरेंज का नहीं, यहाँ पे येल्लो जो है पीला वाला इस पर कर लेते हैं इसको, जो यहाँ पे येल्लो करने के बाद यहाँ पे कुछ देखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये होना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, ये तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कलर कर लेते हैं। तो आप भी कलर कर लीजिएगा, इससे क्या होगा एकदम फ्रेश चेहरा एकदम बेहतर तरीके से चमकने लगेगा। तो हम इसको जहाँ जहाँ ये ब्लैक दिख रहा है वहाँ मैं कर लेता हूँ, आप कर लीजिएगा यहाँ से। तो देख लीजिए मैं कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ तो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे जहाँ जहाँ इसको मतलब रखना है यहाँ पे जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या करना होगा फ्रेंड, इसको लगाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लगा देता हूँ एंड लगाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे छोटा इसको कर लेता हूँ, तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। छोटा करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये येल्लो कलर में मतलब वो रंग में जम गया है, मतलब हो गया है रंग में। तो यहाँ पे होने के बाद आपको करना क्या होगा, फिर से यही वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड इस पर क्लिक करने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे ये वाला जो दिखेगा इसको क्या करना है कुछ इस प्रकार करना है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार इस कर लीजिएगा इतना पे एंड इस पर इतना करने के बाद ना आपको ये जो कलर दिखेगा देख लीजिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड इसको हम क्या करेंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस देख लीजिए हल्का से कुछ इस प्रकार से बढ़ा देंगे। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे मतलब उतना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे या फिर डन कर देंगे एंड डन करने के बाद ना इसको जो है ये है इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट करके यही रखने देते हैं एंड यहाँ पे रखने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से वो दिख रहा है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेव कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।